में बहुत मजा आया हमें घूमने में। तो हमारे व्यूअर्स को बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं दिव्यागढ़ बीच विद फैमिली। तो अभी हमारे साथ है मम्मी, डैडी एंड हमारे ड्राइवर साहब। पुणे से दिव्यागढ़ बीच है 160 किलोमीटर और इसे कवर करने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। बेस्ट रूट रहेगा लावले से तामनी घाट होके मानगांव से मासला। वी आर एट दिव्यागढ़ बीच नाउ। कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? कैसा है बीच का? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। साफ है बीच? हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है बीच? बहुत सुंदर। डैडी जी, फर्स्ट इंडिया का बीच कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठंडा है, गर्मी है? हल्की हल्की। दिव्यागढ़ में बहुत सारी स्टार फिश देखने को मिलती है और यहाँ पे छोटे छोटे क्रैब्स और बहुत सारे शेल्स हैं। और यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ लाइक जेट स्कीइंग, बनाना राइड एक्सेट्रा का मज़ा ले सकते हो। साथ ही में कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग और ऑफ़ कोर्स फैमिली के साथ अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है वीकेंड पे तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं होटल में चेक इन करने, फिर शाम को दोबारा सनसेट के टाइम आएंगे बीच पे। होटल के लिए अथांग स्टेकेशन इज द बेस्ट नियर दिव्यागढ़। हमारा फर्स्ट रूम और यहाँ से व्यू दिख रहा है ओशन का। यू कैन फाइंड अ रूम बिटवीन 2,500 to 3,000 एंड इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिव्यागढ़ बीच। यहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हैं। सो हमारा कल का प्लान रहेगा, हम यहाँ से पहले सुबह सनराइज देखेंगे सेम दिव्यागढ़ बीच पे, फिर हम निकलेंगे महाबलेश्वर के लिए और महाबलेश्वर में हम व्यू पॉइंट्स देखेंगे और मैप्रो जाएंगे। तो आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो ये है डे टू और अभी हम सुबह के 6 बजे हैं। हम जाएंगे अभी बीच पे सनराइज देखने और बाहर अंधेरा है। सो 10 मिनट में हम निकलेंगे दोबारा से बीच के लिए। तो हम अब बीच पे पहुंच गए, अभी सनराइज शुरू ही हुआ है। तो डैडी, आपका पहला बीच कौन सा था? और नई दरअसलाम मैंने गया था तो वहाँ पे मैंने पहला बीच देखा था। वो एक छोटा सा शहर है, वो समुद्र के बीचों बीच स्थित है। तो वो ज़्यादा अच्छा था या दिव्यागढ़ वाला, ये जहाँ पे हम हैं? अरे, इंडिया इज नंबर वन। ओहो, वाह। हम तो हैं हिंदुस्तानी। यहाँ का आबा हवा, वातावरण, शुद्ध वायु बहुत ही अच्छा है। सही बात है। समुंदर से निकलते हुए हम आगे जाते हैं और समुंदर देवता आपको बारंबार प्रणाम और हमारी सुबह की प्रार्थना स्वीकार करें। और हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अब महाबलेश्वर की ओर प्रस्थान करेंगे। दिव्यागढ़ से महाबलेश्वर है 127 किलोमीटर दूर। यहाँ पहुँचने के लिए लगते हैं 3.5 से 4 घंटे। बेस्ट रूट रहेगा महासला से गोरेगांव होते हुए मुंबई गोवा हाईवे पकड़ के प्रतापगढ़ से होते हुए महाबलेश्वर पहुँचना। हेलो, तो अभी हम पहुँच गए महाबलेश्वर और हम रुक गए पंचगिनी मेट्रो से 5 किलोमीटर दूर। यहाँ पे हमने स्टे किया है और हमें यहाँ पे आने में लगे थे महाबलेश्वर 4 घंटे दिव्यागढ़ से। और ये बहुत ही प्यारा होटल है, होटल रेन फॉरेस्ट इसका नाम है। तो अब मैं इसको बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। पहले बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ। ये छोटा सा रूम बट बहुत क्यूट सा है।
महाबलेश्वर में सबसे पहले महादेव का मंदिर महाबलेश्वर है, जहाँ आप जा सकते हैं। महाबलेश्वर फेमस है अपने व्यू पॉइंट्स के लिए, तो आप बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट सारे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल सेम व्यूज़ देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है महाबलेश्वर आने का मानसून में, क्योंकि तब वाटरफॉल्स और पूरी ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में आप स्ट्रॉबेरी फार्म्स घूम सकते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे हमारा पंचगिनी में, और अभी मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। हम अभी चेकआउट करके जाएंगे मैप्रो की फैक्ट्री, और फिर यहाँ से हम जाएंगे घर, और फिर हमारा नेक्स्ट टूर रहेगा भीमा शंकर का अगले दिन। तो बने रहिए। आपको ये रेन फॉरेस्ट होटल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा रेन फॉरेस्ट। खाना? इनका खाना बहुत ही बढ़िया था, और सर्विस? और सर्विस भी बहुत ही अच्छी थी। आप ये लोगों को रिकमेंड करोगे? यस, वेरी गुड, गुड स्टार। और आपको कैसा लगा ये होटल? बहुत ही प्यारा होटल है, यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही अच्छा है। फूड वाज ऑसम। रेकमेंड करेंगे आप? हम पहुंच गए हैं सबरी फॉर्म में, मैप्रो, और यहाँ की सुंदरता अद्भुत है। अभी तो आपने देखा ही नहीं, अंदर है अभी। मैंने अभी हम एंट्री गेट अभी एंट्री कर रहे हैं। जामुन की जेली वाली टॉफी ले ले, ये बहुत अच्छी थी। ये हमने खाई नहीं है, ये खाई है। चीज है जो कि फ्रूट से बनी हुई है, जेली वाली। और यहाँ पे आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं सैंपल की, आपको कौन सी पसंद आ रही है। यहाँ पे भी है, और ये सारी मिक्स है अलग अलग फ्रूट की। और ये गेम्स बनाई है, कितनी टॉफी कैरी कर सकते हैं एक बार में, वैसी टाइप की गेम है। तो इंटरेक्टिव भी है, सिर्फ ये नहीं कि आप शॉपिंग के लिए आओ, यहाँ पे फन के लिए भी अच्छी जगह है। डैडी मूवी कर लो। डैडी, हाँ, कैसा लगा गेम? बहुत ही अच्छा लगा मेरे को गेम खेल के। मैंने बहुत 200 से तो ज्यादा की टॉफी खा ली। हाँ सही है। ये चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट विद आलमंड, कैश्यू, होल आलमंड्स, यहाँ पे चल रही है सैमसंग। आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रूट सिरप जो आप मोहितो वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हो। ये फ्लेवर है कोकोनट, ये है लाइम एंड मिंट, ऑरेंज एंड स्वीट लाइम एंड ग्रीन एप्पल। तो यहाँ पे भी सैंपल आप ट्राई कर सकते हो कि कैसा है। ये है सैंपल ग्रीन एप्पल का, टेस्टी लग रहा है। वो मम्मी ट्राई कर रही है केसर फ्लेवर, कैसा है? इन सिरप में थोड़ी शुगर मुझे ज़्यादा लगी पर्सनली, बाकी फ्लेवर अच्छा है। पर अगर आप शुगर ज़्यादा खाते तो आपको शायद ये पसंद आए, अगर नहीं खाते तो नहीं आएंगे। नाचोज अलग अलग फ्लेवर के, देसी मसाला, इसमें कॉर्न ऑयल यूज़ किया है, पाम ऑयल यूज़ नहीं किया। आप इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, कॉर्न ऑयल सिर्फ 25% है, मतलब कॉर्न ऑयल ही है। तो ये थोड़े हेल्दी ऑप्शन है, अभी हम इसको भी ट्राई करेंगे कैसा है। इसमें अनियन सेसम, एक घी स्पिनिच, अलग अलग फ्लेवर है। ये जो गुआवा की टॉफी है, इन्होंने मसाले के साथ दी, थोड़ी स्पाइसी है, पर सबसे टेस्टी मुझे यही टॉफी लगी। क्या कहते हो डैडी? गुआवा की, हाँ गुआवा बहुत ही अच्छा लगा हमें, हमने खरीद और हमने बहुत ज़्यादा खरीदा भी है। रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बैठेंगे, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का गार्डन है जहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरी लगी है। अब हम कल कहाँ जाने वाले? कल हम महाबलेश्वर जाने वाले, भीमा शंकर। अच्छा, तो आज के लिए आप दर्शकों को बाय बोलेंगे? यस, बोलो। जुड़े रहिए वीडियो से, मिलते हैं कल।
हर हर महादेव। हर हर महादेव।